फ्रेंड्स वेलकम टू किचन रेसिपी चैनल। मैं अपने लाई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ओट्स मोदक की रेसिपी। डाइट कॉन्शियस होते हैं जो शुगर नहीं खाते वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें ना ही शुगर ऐड है, ना घी ऐड है, ना जागरी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप ओट्स। आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं, इंस्टेंट ओट्स या रोल्ड ओट्स। पहले हम एक पैन में ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक ओट्स का कलर लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक। मीडियम फ्लेम में हम ओट्स को रोस्ट करेंगे। इसी तरह अच्छे से ओट्स को हमें रोस्ट करना है। बीच बीच में हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ओट्स चिपके ना। वो हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है ताकि उसमें कोई मॉइस्चर हो तो वो चले जाए, और अगर अच्छे से रोस्ट होगा तो ग्राइंड भी ईजिली हो जाएगा। इसी तरह चम्मच चलाते हुए हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। 4 मिनट के बाद ओट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। इसका कलर भी आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे, ग्राइंडर में इसे डाल लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम ओट्स को ठंडा होने देंगे। गरम गरम में पीसेंगे तो ओट्स सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, इसलिए हमें इसे थोड़ा ठंडा करके पीसना है। 6 मिनट के बाद मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ। फाइन पाउडर बना लेना है हमें, देख सकते हैं फाइन पाउडर बना लिया है हमने अच्छे से। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये 100 ग्राम खजूर जिसके मैंने सीड्स निकाल लिए हैं, हम सेम ग्राइंडर में पीस लेंगे अच्छे से और एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह हमारा पेस्ट तैयार हो गया और इसे हम ओट्स वाले मिक्सर में ऐड कर देंगे। हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे ले लिया है कुछ कटे हुए बादाम, काजू, वॉलनट, कुछ ब्लैक रेजिन्स ले लिया है, पम्पकिन सीड्स ले लिया है। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे हम। डेट का पेस्ट जो है इस मिक्सर में वो बाइंडिंग में हेल्प करेगा, तो हमें इसकी क्वांटिटी देखकर डालनी है। अगर आपको कम लग रहा है, बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप और डेट ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है ये, बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे बच्चों को भी मंचिंग के लिए दे सकते हैं। इस तरह गूंथते हुए हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने मिक्सर को अच्छे से मिला लिया है। क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और लड्डू बना कर देखेंगे कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं बाइंड हो रहा है, यानी कि ये मिक्सर रेडी है मोदक बनने के लिए। बन रहा हो तो आपको डेट इसमें ग्राइंड करके डालना होगा। मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्टील का मोल्ड ले लिया है, इसलिए ऑनलाइन मिल जाता है। हम मोल्ड को थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे घी से। या बटर ना यूज़ करें, आप इसमें ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मगर हम इसलिए ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि बहुत ही अच्छा सा शेप आ जाए, टाइनी टेक्सचर आ जाए मोदक का। तो ये ग्रीसिंग वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। हमें मिक्सर डाल लेना है मोल्ड में। हमें मिक्सर अच्छे से डाल लेना है मोल्ड में और हाथ से इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि पीक तक चले जाए और एक पीक फॉर्म हो। ज़रा अच्छे से दबा कर मिक्सर डालना है ताकि मोदक का शेप अच्छे से आ जाए। हाथ से हम लेवल कर लेंगे पीछे से भी। हमने अच्छे से मिक्सर डाल लिया है। चलिए तो अब हम डीमोल्ड करते हैं। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा मोदक बना है। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स, ओट्स इस रेसिपी को बहुत ही हेल्दी बनाता है। आप इस गणेश चतुर्थी में ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मोदक हम अपने गणेश जी को दे देंगे। चलिए तो एक और मोदक बना लेते हैं। सबसे पहले मैं मोल्ड को ग्रीसिंग कर लूँगी घी से। हम मोल्ड में मिक्सर डाल लेंगे, काफ़ी सारा मिक्सर डाल लेंगे हम मोल्ड में ताकि अच्छा सा शेप आ जाए मोदक का। प्रेस करके हम डालेंगे। अच्छे से प्रेस कर लिया है, अब डीमोल्ड कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा मोदक रेडी है। बाकी मोदक भी हम बना लेंगे। आपने देखा बहुत इजी था ग्रेनुला मोदक बनाना। गणेश चतुर्थी में अपने गणेश जी को और फैमिली को हेल्दी मोदक खिलाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।